अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करते हैं, छत पे जो बाल आ जाता है टाइल्स में, तो उस पे सिलिकॉन कैसे लगाते हैं 2 सेंटी के लिए। तो ये हमारा 2 सेंटी का फवासल छुटा हुआ है, इसके दोनों साइड में हमने टेप लगा दिया है पूरा। और ये है फाइबर का, वो सिलिकॉन है, ये फोम रबड़ की तरह है ये। तो इसको हम 2 पीस इसके अंदर लगाएंगे, ये रबड़ है पूरा, ठीक है। अब इसको हम 2 पीस इसके अंदर लगाएंगे, इस तरीके से 2 पीस ये लगा देंगे हम। लगाने के बाद ये पूरा एक जैसा पूरा आर पार लगा देंगे, ये इस तरीके से 2 पीस लगा देंगे। अब ये 1 सेंटी ये जगह घेर लेगा, 2 सेंटी घेरा है ना, तो 1 सेंटी इस पर आएगी सिलिकॉन। तो ये है इस तरीके से। आधा फिर एक किप्सा था, फिर आधा इतने सेंती फिर फवासल, आधा बाद इन फिर इतने सेंती आधा तहत, वाइस वाइस सेंती रखी फिर आधा फोम, बाद इन वाइस सेंती रखी फिर सिलिकॉन, बाद इन आधा बलात माँ इतला बर रहा आधा खत माई जी की दा, बाद इन फिर अलतूल आई से आधा सता सोया हर रख माफी मुश्किल, बाद इन आधा फिर रखी फोम, बाद इन रखी फिर फोक सिलिकॉन, बाद इन हादा सथा ऐ से सोया फिर हर रक ऐ से भी हबूत ईजी, लेकिन हादा बाद इन माफी मुश्किल वाला तुम्हारा इतला बर्रा। तो इसे पूरा ऐसे दबाना पड़ेगा, सिर्फ 1 सेंटी खाली रहना चाहिए ये ऊपर से, दोनों सिलिकॉन इस तरीके से दबाने पड़ेंगे। और इसका ये सिलिकॉन है, ये फ्रांसिस का है सिलिकॉन, और ये इन चीज़ में काम आता है, ये गाड़ी में और पानी के जहाज़ में, मतलब किसी के पानी की जगह पे तुम इसे यूज कर सकते हो। तो ये है, अब इसको हम इस तरीके से काटने के बाद, और इसको इस तरीके से लगाएंगे, बाद में सिक्किन के साथ इसको पूरे को भर देंगे हम। इस तरीके से लगाने के बाद ये पूरा इस तरीके से पूरा भरा जाएगा। भरने के बाद इसको हम सिक्किन से थोड़ा दाब के और फिर लगा देंगे इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा सिक्किन से दाब के और लगा देंगे अच्छे से दाब के, ये लग जाएगा इस तरीके से। तो मतलब जब टेप अगर तुम लगाओगे तो लाजिम 5 मिली टाइल से, टाइल का जो खत है ना गहरा वाला, उससे 5 मिली सिलिकॉन टाइल के ऊपर आनी चाहिए। जो टेप चिपकाओगे तो वो इस तरीके से चिपकाओगे, 5 मिली ये टाइल के ऊपर सिलिकॉन आ जाए। तो इस तरीके से इसे लगाना पड़ेगा, ये पूरा इस तरीके से खींच के इस पे पूरा खींच दोगे, और जो साइड में सिलिकॉन है उसे तुम्हें लाजिम उठा लेना है, जो सिलिकॉन है साइड में उसे लाजिम आगे लगा दो। तो इस तरीके से पूरा सिलिकॉन तुम्हें भर देना है, पूरा सिलिकॉन तुम भर दोगे, ये पूरा इसी तरीके से भरना पड़ेगा। सिलिकॉन पे कहीं भी खतरे नहीं रहने चाहिए, मतलब कहीं भी स्क्रैच जैसा नहीं आना चाहिए, मतलब ऊपर से पूरा सीधा रहना चाहिए, कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइल पे कहीं छेद चमक रहा हो, पूरा एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा खत जहाँ तक तुम्हारी टाइल का छुटा हुआ है पूरा एक बार भर दो। ये भरना है, भरने के बाद ये टेप जो लगा हुआ है सततुन, ये हाथ का हाथ छुटाना पड़ेगा तुम्हें, ज़्यादा टाइम बाद नहीं, सिर्फ लगा दिया पूरा जितनी भी लाइन है उसके 2-3 मिनट बाद इसे छुटा दो। अगर ये ताज़े ताज़े पे छुटाते हो तो कहीं भी सिलिकॉन तुमसे फटा हुआ नज़र नहीं आएगा,
टाइल पे चिपका हुआ नजर आएगा हर कहीं, ताज़ा छुटाओगे तो। और फिर थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद छुटाओगे तो वो सही नहीं छुटेगा, वो जगह जगह पे, मतलब जगह जगह पे वो खिंचा हुआ नज़र आएगा, सही चिपका हुआ नज़र नहीं आएगा। अब ये तुम्हारा पूरा ताजे पे छुटाओगे तो पूरा टाइल पे चिपका हुआ बिल्कुल एक खत नज़र आएगा। हाँ फिर रख के सिलिकॉन बादिन सतरतुन फी बस अलातुल फी सील आदा बादिन बला सवा सवा आदा एम सी गोवी मालूम सोया ताखीर बादिन फी आदा सतरतुन बादिन सिलिकॉन मा एम सी गोवी आदा बादिन खत इजी सोया सगीर सगीर मालूम आदा फी बस अलातुल सील फी खत इजी वाहिद कुल्लू। هذا في الصوف الحين خمسة ملي في بلا سوا سوا هذا سيليكون هذا كله في صوف خط واحد هذا خمسة ملي في بلا سوا سوا موجود خمسة ملي واحد بلات خمسة ملي تاني بلات في كده على طول سيليكون هذا امشي قوي هذا موجود كله كده. هي هماري هو جاي هي جايج तो इस तरीके से ये सिलिकॉन लगाते हैं। अब इसमें कहीं भी छत पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये क्रैक नहीं आएगा, जैसे टाइल उखड़ जाती है ना तो ये टाइल नहीं उखड़ेगी।